दिन भारी बारिश के कारण यात्रा हो गई है अवरुद्ध, मतलब अभी यहाँ वैली ऑफ फ्लावर के फ्लावर यहाँ पर देख लो भाई। तो भाई आज के लंच में हमारा है स्पेशल चावल और साथ में है चौथा भात। तो हम दोनों खा रहे हैं चौथा भात, पहली बार खा रहे हो? नहीं नहीं, हम तो चाय साहब कहते हैं इसको। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग आए थे गोविंद घाट से गगरिया, तो ये पीछे मेरे गुरुद्वारा है जहाँ आप पी एफ कॉस रह सकते हैं, पी एफ का आप लंगर चख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग हैं गगरिया में, तो आज हमारा प्लान है वैली ऑफ फ्लावर जाने का। सुबह उठे रेडी हुए, अभी कर रहे हैं बजे हैं करीब 11, कल रात की थकान बहुत थी तो हमने कहा थोड़ा आराम से उठते हैं, फिर पूरा दिन स्पेयर में बचा हुआ है। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो फिलहाल ये रास्ता है वैली ऑफ फ्लावर का, ये बेस कैंप है घगरिया, जिसकी डिस्टेंस है गोविंद घाट से 14 किलोमीटर, 4 किलोमीटर गाड़ी पे, 10 किलोमीटर आपको वॉक करके आना पड़ेगा या खच्चर के साथ, या आप डोली भी कर सकते हैं अपने लिए, जैसी आपको सुविधा है वैसे आप आ सकते हैं। वैसे प्रिपेयर्ड है बाय वॉक आप आ सकते हैं। तो ये बेस कैंप है वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब, दोनों का बेस कैंप है ये। तो यहाँ से स्टार्ट होती यात्रा हेमकुंड साहिब की और वैली ऑफ फ्लावर की। और वैली ऑफ फ्लावर के लिए क्या है कि आपको 12 बजे से पहले फॉरेस्ट वाले ऑफिस में पहुँचना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। फिलहाल 11 बजे हुए और हमारा पहला लक्ष्य है कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, उस तक अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन का कितना चार्ज है वो वहीं जाके मैं आपको बताऊँगा, हमको भी वहीं जाके पता चलेगा मतलब। और कितने फूल वाली और फ्लावर में खिले हुए हैं अभी जुलाई के मंथ में, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर और उसके बारे में जानेंगे आगे वैली ऑफ फ्लावर से पहुँच के। तो यहाँ पे देखिए, यह है फूलों की घाटी राष्ट्रीय, स्थापित 6 सितंबर 1982 को बनी थी और विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ 2005 में। फूलों की घाटी की राष्ट्रीय पार्क की तुलना किसी भी कृत्रिम पार्क से करना अनुचित है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क पूर्णतः प्राकृतिक स्थल है ये, ठीक है। यहाँ पे रेट लिखे हुए हैं ऐसे कुछ, जो कैमरा वैमरा है उसका का रेट लिखा हुआ है। बड़ा खतरनाक, अभी हमको मना कर रहे हैं बोलने की, अंदर एंट्री के लिए डीएम साहब का ऑर्डर आया कि वैली ऑफ फ्लावर में किसी को प्रवेश ना दिया जाए। तो अजीत ने छाता ऐसे पहन पकड़ी हुई है, बैग पूरा भिगाने में लगा हुआ है ये, तो ऐसा कवर लगा हुआ है। बारिश है लेकिन तेज़ नहीं है, हल्की हल्की बारिश है। देखते हैं, हमको जाने देंगे तो जाएंगे, वरना फिर कल सुबह वापस जाना पड़ेगा इधर ही वैली ऑफ फ्लावर में। तो ये पूरा ग्लेशियर यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि मॉर्निंग में जो लोग गए थे उनको उन्होंने जाने दिया, उस वक्त बारिश भी नहीं थी, लेकिन अभी बारिश काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी ये सारे जो नाले हैं ये सारे उफान पर आ जाएंगे और ये रास्ता है जो जिसे हम लोग क्रॉस करते हैं। अभी ये ग्लेशियर जो है ये पिघल रहा है, फिर कह रहे हैं कि ऐसे 4 पॉइंट हमें पड़ेंगे और उन 4 पॉइंट की वजह से आप फंस सकते हो, वापस भी नहीं आ पाओगे क्योंकि तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से प्लान बनाएंगे यहाँ आने का। यह ऐसा कुछ स्पॉट है, ग्लेशियर है, क्योंकि बर्फ़ का कुछ भरोसा नहीं है कब कहाँ पिघल जाए, तो यहाँ से जाना ही उचित रहेगा। पहले दिन भारी बारिश के कारण यात्रा हो गई है अवरुद्ध, मतलब अभी यहाँ वैली ऑफ फ्लावर के फ्लावर यहाँ पर देख लो भाई, ये देखो फर्स्ट क्लास फ्लावर खिले हुए हैं, इसी से कुछ देर मजा ले लो। कल सुबह अगर दोबारा जाएंगे तो तब वैली ऑफ फ्लावर के फ्लावर दिखाई देंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि हमने थोड़ा लेट कर दिया, अगर मॉर्निंग में हम लोग आए होते आपके करीब 10 बजे पहुँच गए होते तो पक्का एंट्री हो जाती, क्योंकि उस वक्त मौसम में धूप यहाँ पर भी थी, लेकिन अब वो नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी यहाँ पर देखो, ये वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता है और यहाँ फूल खिले हुए, तो वापस जा रहे घगरिया, कुछ वहीं पे देखते हैं एक्टिविटी कुछ मिल जाए आपको दिखाने के लिए।
क्योंकि हेमकुंड साहिब भी नहीं जा सकते हैं आज, और वैली ऑफ फ्लावर दोनों नहीं जा सकते हैं। तो भाई आज के लंच में हमारा है स्पेशल चावल और साथ में है चौथा भात, तो हम दोनों खा रहे हैं चौथा भात। पहली बार खा रहे हो? नहीं नहीं, हम तो चैन भात कहते हैं इसको। हाँ, तो चैन भात बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं चौथा भात। मतलब मैं भी हमारे घर में ऐसी बात बोलते हैं, लेकिन मैं चौथा ही भात बोलता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त गढ़वाली से तो यही बनाते थे, तो इस बेस पे मतलब बोलते हैं चौथा भात। हमारे होटल की खिड़की और टॉप आप देख रहे हैं, इसके पीछे हेमकुंड साहिब है, उधर भी ग्लेशियर है। देखिए लोग नीचे गली में जा रहे हैं, तो गगरिया का जो दिखा रहे हैं बोर्ड, ये 9800 फीट सी लेवल से मतलब इतना ऊपर है, करीब आप 3000 मीटर 3200 मीटर के करीब समझो। तो थोड़ा अभी जो बारिश हो रही है वो सुबह से रुकने का आराम नहीं दे रही है, तो वैली ऑफ फ्लावर तो हम जा नहीं पाए, तो उसकी वजह से देखो यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। हम भी एक होटल पर रुके हुए हैं भाई, इसकी कंडीशन ठीक ही है, मतलब 1800 रुपये में एज ए मतलब भीड़ के हिसाब से चेंज होता है। मतलब बाकी गुरुद्वारा बगल में है, वहाँ फ्री में भी रुक सकते हैं। हम लोग को मोबाइल द्वारा चार्ज करने पड़ते हैं, इसलिए गुरुद्वारे से हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आप देखो सारे ट्रैकर अभी भी चल रहे हैं, लोग रेन कोट पहन के आ ही रहे हैं। बहुत भयंकर बारिश हो रही है अभी कटो वाली, मतलब आप समझोगे नहीं बात को, क्योंकि ठंडा मौसम इतना तगड़ा है वो मैं जानता हूँ। एक जैकेट लेके आऊँ तो उसके सारे अपनी ज़िंदगी कट रही है फिलहाल भाई। अभी तो हमने नहाया गर्म पानी से मस्त करके, हमने कहा कुछ नहीं हो तो नहा लो। सुबह नहाया था मैं ठंडे पानी से, मज़ा नहीं आया क्योंकि आधी बाल्टी से नहाया, लेकिन अभी पूरी बाल्टी भर के गर्म पानी भर के नहाया मस्त। अजीत भाई भी नहा के आए बिल्कुल अंडा सर ने बॉडी दिखाते हुए। तो आज का ब्लॉग तो पूरा भीग गया पानी में, पूरा पानी में आज का दिन ही ख़राब हो गया पूरा। अब एक दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, या तो हम लोग का हेमकुंड जाने का भी प्लान था और वैली ऑफ फ्लावर का, तो एक जगह हमको स्किप करना पड़ेगा। अगर कल को मौसम ऐसा ही रहा तो बारिश होती रही तो हम क्या करेंगे, नीचे को निकल जाएंगे गोविंद घाट को, भैया कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे क्या है नाले नूले अगर आ गए, ग्लेशियर जो स्थिति हम देख के आए हैं, मतलब वैली ऑफ फ्लावर के जो हमको फॉरेस्ट गार्ड ने दिखाया कि यहाँ पर से ग्लेशियर बिल्कुल एकदम से टूट गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो अगर दिक्कत होगी तो फिर हम जा नहीं पाएंगे, टूटने वाला है। तो देखो क्या होता है कल के दिन में, नेक्स्ट ब्लॉग में पता चली जाएगा आपको हम जा पाए कि नहीं जा पाए। होप ऑल बेस्ट, भगवान हमारे साथ है तो कोई नहीं, चले जाएंगे कहीं नहीं सही, तो फिर वापस जाने का वीडियो बनाएंगे और क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय धूमी जय उत्तराखंड। इस ब्लॉग में कुछ था नहीं तो मैं आपसे बोलूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो लाइक फिर भी कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है।